जी जी सर, जड़ी आज वारदात हुई है, कौन सी ये दो नौजवान थे, कितों आए सी, किधर चले सी? देखो ये आज एक इनफॉरमेशन सीक्रेट इनफॉरमेशन मिली सी कि 88 फुट रोड के उत्ते कुछ शक्की घूम रहे हैं और ये असी फिर जो इन्वेस्टिगेटिव टीम जो लगी है और उत्थे जो पहुंचे तो इन्होंने आपकी गड्डी भजा ली और साडे जिहड़े मुलाजमान ने भी उन्होंने पिछा किया और अल्टीमेटली फिर उन्होंने पिछा करद्या होया उहदे विच दो जिहड़े मुलजम फड़े गए है, एक का नाँ है अर्शजोत, दूसरे का नाँ अविनाश है। ये दोनों काबू कर लिया गया और इन्हों तो एक वैपन भी रिकवर होया और एक जी गड्डी सी वह रिकवर हो गई है और इन्हों के खिलाफ कुछ मुकदमे भी ने 307 के आर्म्स एक्ट के NDPS के। सो बाकी जी है वो साड़ी इन्वेस्टिगेशन और पूछगिछ चल रही है कि इन्हों का की परपज सेगा, क्यों आए, कितने जा रहे थे, वो सारा ही कुछ जो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। हाँ जी सर, सानू एक शामी विजयनगर चौंकी 88 फुट रोड से एक इनफॉरमेशन रिसीव हुई सी कि दो अणपछाते नौजवान वरना वाइट गड्डी दे घूम रहे ने ते उन्हां कोल इलीगल वैपन भी हो सकता। इस तो बाद साड़ी पुलिस पार्टी ने सब इंस्पैक्टर जगबीर सिंह ते इन्हां नाल बाकी पुलिस पार्टी ने जो नाका लाया तो यह वरना गड्डी आई तो वरना गड्डी नाका तोड़ के जो भजी तो साड़ी पुलिस पार्टी ने उन्होंने चेज़ किया। इस चेज़ के 88 फुट रोड तो फॉरेस्ट चौंक तक उस तो बाद बटाला रोड से उन्होंने गड्डी अगे हॉट चेज़ होया करीब 10-15 मिनट का। इस तो बाद साड़ी पुलिस पार्टी ने इन दोनों लड़कियों को काबू किया। इन दोनों लड़कियां जिन्हां च पहले का नाम अर्शजोत सिंह उर्फ घुग्गी सन ऑफ गुरजीत सिंह मत्तेवाल थाने का रहने वाला तो दूसरा लड़का अविनाश सन ऑफ अश्विनी कुमार यह मुस्तफाबाद का रहने वाला तो इन्हों को सानू एक 0.32 पिस्टल तो 7 लाइव राउंड भी रिकवर हुए हैं। तो इस तों बाद असी इन्हां दे खिलाफ अधीन धारा 25 ते 27 आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन सदर विखे मुकदमा रजिस्टर कर पहले कितने मामले दर्ज इन्हां दे इन्हां विच जो अर्शजोत सिंह घुग्गी आ उसके खिलाफ टोटल 5 मुकदमे पहला दर्ज ने जिन्हां विच इहदे खिलाफ 2307 दे इस तो अलावा आर्म्स एक्ट के 3 मुकदमे एक NDPS एक्ट का एक प्रिजन एक्ट का ये खिलाफ मुकदमा गड्डी असी वेरीफाई करे वरना गड्डी है जी ये उत्ते जो नंबर प्लेट लगी हुई है वह PB17C5440 लगी हुई है इसमें असं RTO को RTO दफ्तर वेरीफाई करा उस तो बाद दस सकते गड्डी इन्हों की अपनी है जां किसी होर दी है। गड्डी दे विच टोटल 2 मुलजम सी ते दोनों नूं असीं काबू कर लिया जी। सर किसे कदों दा इन्हां दा ट्रैप लगा सी और की किसे वारदात नूं अंजाम देण जा रहे? ये सानूं जी दोपहर दे करीब इनफॉर्मेशन रिसीव हुई सी उस तो बाद असीं अज शामी हुण नाका लाया होया सी ते इह गड्डी साडे कोल पहुंची तां बाकी अजे इसकी फरदर इन्वेस्टिगेशन जारी है। फरदर पुछगिछ विच दस सकदे आं वी कित्थों आ रहे सी ते की परपस सी इन्हां दे नाल जिहड़ी एज प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन अजे इहो जिही कोई गल नहीं आई ते फरदर जे कोई चीज़ आउंदी आ तुहानूं असीं दस्सांगे। थैंक यू जी। कोई दो व्यक्ति फड़े आ तुसीं नौजवान जिहड़े कार दे विच सी और कार नूं उन्होंने टक्कर भी मारी, की है जी सारा मामला? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਿਤੀ ਜੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 6-7 ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ? ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੇ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਡਨੈਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਨਗੀਨਾ ਐਵਰੀ ਰੋਡ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਰੋਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਫਰੋਤੀ ਲਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ? 10 ਲੱਖ। 10 ਲੱਖ ਫਰੋਤੀ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ, 4-5 ਹੈਗੇ ਲਗਭਗ 4-5 ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬਾਕੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਇਹਨਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਫੜੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਹੈ, ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ। ਧੰਨਵਾਦ।